हेलो गाइस, वेलकम टू एटीपी नॉलेज जंक्शन। मैं हूं संजीत और आज हम बात करेंगे व्हाट इज एमएलएसएस एंड एमएलवीएसएस। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएलएसएस और एमएलवीएसएस क्या होता है, ये इसका रेशियो कितना होना चाहिए और एमएलएसएस और एमएलवीएसएस का लेवल कितना होना चाहिए किसी भी एरेशन टैंक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स लिक्विड सस्पेंडर सॉलिड्स के बारे में। तो जैसे कि मिक्स लिक्विड सस्पेंडर सॉलिड्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडर सॉलिड्स इन एन एरेशन टैंक ड्यूरिंग द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। यानी कि जो मिक्स लिक्विड सस्पेंडर सॉलिड्स है, एमएलएसएस है, वो सस्पेंडर सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एक एरेशन टैंक में। यानी कि जो भी हमारा सस्पेंडर सॉलिड्स होते हैं वो एमएलएसएस कहलाता है हमारा। अब वो सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड मैटर्स। जितना भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर्स है जो सस्पेंडेड फॉर्म में है वो एमएलएसएस कहलाता है। इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि जो एमएलएसएस होता है उसे एमजी पर लीटर में मेजर किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस टू इंश्योर दैट there is a sufficient quantity of active biomass to consume the feed quantity of organic matter at any time, the food to mass ratio, FM ratio। यानी कि FM ratio जो हमारा MLSS है उसकी importance ये होती है कि अगर MLSS हमारा एक किसी भी level पर है, वो कितना है MLSS, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितना biomass available है aeration tank में ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए। यानी कि एफएम रेशियो के बारे में पता चलता है हमें एमएलएसएस के लेवल से। गुड एफएम रेशियो मींस द बायोमास विल कंज्यूम हाई परसेंटेज ऑफ फूड, मींस मोर बायोमास मोर कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो एफएम रेशियो है एक गुड रेशियो में है तो क्या होता है कि हमारा बायोमास जो है वो ज्यादा फूड को कंज्यूम करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को ज्यादा कंज्यूम करेगा हाई परसेंटेज में। यानी कि मोर बायोमास मोर कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना बायोमास ज्यादा है ऑर्गेनिक मैटर का उतना कंजप्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा हमारा बायोमास होना चाहिए, पूरे टैंक में हमारा 100% बायोमास होना चाहिए। इसका भी एक रेशियो होता है, यानी कि एक एफएम रेशियो है वो गुड वैल्यू में होना चाहिए आपका। आगे है 2 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी और लोअर is considered to be clean and safe to discharge to surface water or to reuse। यानी कि अगर जो हमारा BOD है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम होता है तो उसे कंसिडर किया जाता है कि ये साफ है और एक सेफ लिमिट में है कि हम उस इफ्लुएंट को डिस्चार्ज कर सकें हमारा लैंड पर सरफेस वाटर में या फिर उसे दोबारा रियूज कर सकें। नेक्स्ट वन इज द टोटल वेट ऑफ MLSS इन एरेशन टैंक is equal to MLSS value should be in kilogram per meter cube into aeration tank volume that should be in meter cube। यानी कि अगर हम total weight निकालना चाहते हैं कि हमारे aeration tank में कितना MLSS है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जो MLSS है उसकी value हमें kilogram per meter cube में निकालनी होगी और साथ ही साथ उस aeration tank का जो volume है उन दोनों का multiply करना होगा, जिससे कि हमें MLSS की value पता चल जाएगी पूरे aeration tank में कितना MLSS हमारा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्स लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडर सॉलिड, यानी कि MLVSS क्या होता है। द मिक्स लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडर सॉलिड्स और MLVSS इज द पार्ट ऑफ द MLSS विच इज एक्चुअली डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर, मींस COD एंड BOD। यानी कि जो MLVSS है हमारा वो MLSS का ही पार्ट है, बट एक्चुअली में जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेडेट कर रहा है वो MLVS होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा MLSS जो है वो क्या है हमारा, सस्पेंडेड सॉलिड्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को मिलाकर हमारा MLSS बनता है। लेकिन उस MLSS में जो बायोमास है, बायोमास है, कल्चर है हमारा, बैक्टीरिया है जो एक्चुअल में हमारे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहा है, उसे कंज्यूम कर रहा है, वो MLVSS होता है। द नेक्स्ट वन इज द वोलेटाइल सॉलिड कंसंट्रेशन और MLVSS इज कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन whether there are enough microorganism present in the aeration tank to purify the water। Means जो volatile suspended solids है हमारा, जो volatile concentration है MLVSS जो है हमारा, वो इस चीज को determine करने के लिए, इस चीज को, इस चीज के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है
कि भाई हमारा जो एरेशन टैंक है उसमें सफिशियंट क्वांटिटी में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, MLVSS की जो वैल्यू होती है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसे तोड़ने के लिए। यानी कि अगर एक MLVSS जो हमारा है वो एक अच्छी क्वांटिटी में होता है तो हमारा जो बायोमास है उसका डिग्रेडेशन भी अच्छा होगा, हमारी इफ्लुएंट क्वालिटी सुधरेगी। आई होप आपको MLSS और MLVSS अच्छी तरीके से समझ आया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है हमारा हाउ मच MLSS टू बी मेंटेन इन एरेशन टैंक। अभी बहुत लोगों का सवाल है, पढ़ पढ़ के लोग थक चुके हैं, कहीं भी उनको आंसर नहीं मिलता है, और एक जो आंसर मिलता है भी उसके पीछे का लॉजिक आई थिंक आप लोगों को नहीं पता है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। MLSS और MLVSS बहुत कॉमन टॉपिक है, आपको कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई भी आपको बता देगा और आपको पता भी होगा। लेकिन जो मेन चीज है इसमें वो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बताना, ये जो टॉपिक है वो हमारा है कि आपको कितना MLSS मेंटेन करना है एरेशन टैंक में। तो सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MLSS। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो MLSS के कॉन्सेंट्रेशन को प्रभावित करते हैं। द MLSS विल वेरी बेस्ड ऑन द स्लज एज, नेचर ऑफ वेस्ट वाटर दैट इज COD और BOD वैल्यू, इनकमिंग सॉलिड्स, एम्बियंट कंडीशंस एंड द साइज ऑफ द एरेशन टैंक। यानी कि जो हमारा MLSS होता है, MLSS पर फर्क पड़ता है स्लज एज की वजह से। यानी कि हमारा जो स्लज है वो कितना पुराना है कितना नया है, इससे भी हमारे MLSS के कॉन्सेंट्रेशन पर फर्क पड़ता है। वेस्ट वाटर जो इफ्लुएंट आपका ETP में आ रहा है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा है उसकी BOD COD वैल्यूज वगैरह क्या है, pH के वैल्यू क्या है, इनकमिंग सॉलिड्स आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं आपके वेस्ट वाटर में, और जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो कितने हैं, एम्बियंट कंडीशंस कैसी है, DO कितना है ना, टेम्परेचर कितना है, और एरेशन टैंक का जो साइज है उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है MLSS के कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर आपका MLSS जो अगर आपका एरेशन टैंक है उसका साइज बड़ा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि MLSS आपका अच्छी तरीके से ग्रो होता है क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर मिलता है वहां पर, है ना। और आपका ज्यादा, देखो साइज बढ़ने से क्या होता है कि आपकी सब चीजें एक्स्ट्रा होने लगती हैं, आपको ज्यादा DO मिलता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका इफ्लुएंट है एरेशन टैंक है उसमें जो आपका कल्चर है, बैक्टीरिया है, इफ्लुएंट है, वो नेचर यानी एटमोस्फेयर के संपर्क में ज्यादा आता है जिससे कि जो हवा में जो ऑक्सीजन है वो मिक्स होती है। तो ठीक है, DO का लेवल भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि MLSS के कॉन्सेंट्रेशन पर फर्क डालती हैं। अगला है डिजायरेबल रेंज, कितना रेंज होना चाहिए हमारे MLSS का। तो द फर्स्ट पॉइंट इज MLSS अराउंड 3000 मिलीग्राम पर लीटर एंड SBI इज 100 टू 200 मिलीग्राम लीटर, मीन्स विच लीड्स टू प्रोड्यूस क्लियर एंड गुड क्वालिटी ऑफ इफ्लुएंट दैट इज स्लज फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म ब्लैंकेट एंड कैप्चर्स मोर पार्टिकल बिफोर सेटलिंग। मतलब कि अगर MLSS हमारा 3000 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास होता है और SBI हमारी 100 से 200 में होती है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा इफ्लुएंट की क्वालिटी है वो क्लियर इफ्लुएंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है कि जो स्लज है वो यूनिफॉर्म ब्लैंकेट लेयर बनाता है, हमारा ब्लैंकेटिंग करता है और मोर पार्टिकल्स को कंज्यूम करता है सेटलिंग होने से पहले। तो इससे क्या होता है, एक हमारा बेस्ट फ्लॉक तैयार होता है और इफ्लुएंट की जो सुपरनेंट है हमारा वो क्रिस्टल क्लियर प्रोड्यूस होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप MLSS, SBI इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, SBI के बारे में जो हमारा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है और वो किस तरीके से हमारी इफ्लुएंट की क्वालिटी को इफेक्ट करता है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस SBI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन रखी है। आप, मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ और साथ में उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें और वो आपका बहुत ही ज्यादा ज्ञान वर्धन करेगा। एक ऐसी वीडियो है जो डेडिकेटेड मैंने SBI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स पर बनाई है, SBI किस तरीके से हमारे इफ्लुएंट की क्वालिटी को इफेक्ट करता है, कैसे हमारे जो बायोमास होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है एरेशन टैंक में। द नेक्स्ट वन इज इफ SBI इज इक्वल टू 80 मिलीलीटर पर ग्राम और लेस, रैपिड सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स TSS एंड MLSS विल बी हायर, मीन्स द MLSS विल बी अराउंड 4000 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि अगर SBI हमारा 80 मिलीलीटर पर ग्राम या उससे नीचे होता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारा इफ्लुएंट होता है, जो स्लज होता है, वो हमारा रैपिड सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आ जाते हैं
और इससे क्या होता है कि जो हमारा TSS और MLSS होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इस रेंज में जो हमारा MLSS होता है वो 4000 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि अगर 3000 होगा तो आपका सबसे क्रिस्टल क्लियर इफ्लुएंट बनेगा, अगर 4000 होगा MLSS तो हमारा जो TSS है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। इफ SBI इज 250 मिलीलीटर पर ग्राम और हायर, इट कॉज पुअर सेटलिंग एंड पुअर कॉम्पैक्शन ऑफ सेटेड स्लज मीन्स फिलामेंटस स्लज बल्किंग एज वेल एंड द MLSS वुड बी अराउंड 1000 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि अगर हमारा जो SBI होता है वो 250 से या उससे ज्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि पुअर सेटलिंग होती है हमारी, और जो स्लज होता है हमारा वो कॉम्पैक्शन उसमें कम होता है, यानी कि स्लज ज्यादा फैला फैला सा लगता है, जिसे हम फिलामेंटस स्लज बल्किंग भी कहते हैं। इस दौरान जो MLSS होता है वो हमारा 1000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। यानी कि जो एक डिजायरेबल रेंज है हमारी MLSS की वो 3000 होनी चाहिए। 3000 से अगर ज्यादा है तो ठीक है, तो हमारा इफ्लुएंट जो है वो उसमें TSS सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा रहेंगे। और अगर 3000 से कम होता है, यानी कि 1000 के आसपास अगर हमारा होता है, काफी कम होता है, तो उससे क्या होता है पुअर सेटलिंग होगी और जो हमारा स्लज होगा वो कॉम्पैक्ट भी कम होगा। अगला है रेशियो ऑफ MLVSS एंड MLSS। MLVSS और MLSS का रेशियो कितना होना चाहिए? द रेशियो ऑफ MLVSS वर्सेस MLSS शुड बी ग्रेटर देन 0.75 इन अ कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो हमारा MLSS और MLVSS का रेशियो है वो 75% होना चाहिए, या MLVSS वर्सेस MLSS का रेशियो है वो 0.75 होना चाहिए। यानी कि हमारा MLSS की जो रेंज है और MLVSS की रेंज जो है उसमें 75% का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा MLSS 100 आ रहा है तो MLVSS हमारा 75 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा MLSS 3000 है और रेशियो उसका 0.75 होना चाहिए, तो इन दोनों का अगर हम इन दोनों की वैल्यू से अगर हम MLVSS कैलकुलेट करेंगे तो MLVSS हमारा 2250 मिलीग्राम पर लीटर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर MLSS 3000 है तो MLVSS हमारा 2250 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है इस वीडियो के संबंध में, या ETB से रिलेटेड कोई भी सुझाव सवाल है, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इस वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर पा सकते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहां पर हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं इस फील्ड से, जो कि आपके जो क्वेरीज है उनका समाधान भी वहां पर करते हैं। और वेस्ट वाटर इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर वैकेंसीज आती है पूरे पैन इंडिया में, तो वहां पर उस चीज को वो पोस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।